नमस्कार, मैं हूँ रचना रावत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के विचारों को स्वीकार करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ने आज विधानसभा धर्मपुर के अंतर्गत सुभाष नगर में पार्षद रमेश कुमार मंगू के सहयोग से स्कूल वैन चालकों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने से स्कूल वैन चालकों पर चौतरफा मार पड़ रही है। उन्हें वाहनों के टैक्स, घर खर्चा, किराए सहित बच्चों की फीस की व्यवस्था करना भारी पड़ रहा है। आज राजीव जी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने राशन किट वितरण के माध्यम से इनकी परेशानी को बांटने का कार्य किया है। उन्होंने स्कूल वैन चालकों द्वारा अवगत कराई गई समस्याओं के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों से वार्ता करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, गिरीश चंद पुनेड़ा, यूथ कांग्रेस से सोनू हसन, विनीत प्रसाद भट्ट, ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान भगवान सिंह विष्ट, पूर्व प्रधान भारूवाला कुसुम वर्मा, वार्ड अध्यक्ष विकास पाल व यूथ अध्यक्ष सिद्धार्थ वर्मा आदि मौजूद रहे। नहीं, मैं जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ है तो पिछली बार भी हमने बहुत लोगों को जैसे राशन दिया गया, उनको सैनिटाइज दिया गया, लेकिन पिछली बार शायद हमारे से गलती हो गई कि वैन संचालकों को हम भूल गए और मैंने देखा कि किसी और ने भी इन लोगों का ध्यान नहीं रखा। तो मैंने जो आज शुरुआत करी है तो ये वो वैन संचालक हैं जो अपनी वैन चलाते हैं बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, लेकिन 1.5 साल से इनका काम बंद है। पता नहीं कैसे रोजी रोजगार इनका चल रहा है, बच्चों की फीस भी देनी पड़ रही है। तो ये मैंने एक पहल करी है कि जिससे और लोग भी इनकी मदद के लिए आ गए। इसमें राशन लगभग ये 30 किलो का पैकेट है, इसमें जिसमें दाल है, आटा है, चीनी है, आलू प्याज है, मसाले हैं, तेल है, चावल है, ये सब आइटम उसमें डाली गई है। हाँ, आज का माहौल ऐसा है कि सैनिटाइज़र की आवश्यकता हमेशा हर आदमी को पड़ रही है। मास्क के लिए भी ज़रूरी हो गया, मास्क तो आपने देख ही लिया है, मास्क बहुत ज़रूरी है। तो इसको देखते हुए हमने सैनिटाइज, साबुन और ग्लूकोज और विटामिन सी और मास्क, ये पैकेट बना के दिए हैं लोगों को, जिससे लोगों की सुरक्षा हो सके। राशन देखो, मैंने आज उन लोगों को वितरित किया है जो 1.5 साल से बेरोजगार हैं, जो स्कूल वैन चालक हैं, जिनकी अपनी स्कूल थी, स्कूल वैन है और स्कूल बंद होने के कारण चल नहीं रही हैं। उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक तो RTO का टैक्स उनको लगातार देना पड़ रहा है और बच्चों की फीस है, लेकिन आज उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने आज इन लोगों की मदद करी है, जिसमें आटा है, चावल है, चीनी है, दाल है, तेल है, आलू प्याज है, मसाले हैं। हमारे साथी सहयोगी हैं रमेश जी, यहाँ से पार्षद भी हैं, और आप लगातार कोरोना की इस महामारी में जो है गरीब आदमी के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। जब से कोरोना प्रारंभ हुआ है तब से मैं देख रहा हूँ कि अविरल जो है रमेश जी जो है लोगों की सहायता करने का काम कर रहे हैं, और आज जो स्कूल वैन चलाते हैं स्कूल्स में, उनके जो ड्राइवर्स कह लीजिए या ऑनर्स कह लीजिए, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, और आपको जानकारी है कि लंबे समय से जो है स्कूल नहीं खुलने हैं, उनके पास कोई रोज़गार का दूसरा साधन नहीं है, तो उनके लिए रमेश जी ने पहल की है, बहुत ही सराहनीय पहल है। और आज जो है पूरे प्रदेश ने बल्कि देश भर में कांग्रेस जन कोरोना के लोगों के साथ खड़े हैं। आज 21वीं सदी के भारत के नींव रखने वाले, या मैं निर्माता कहूँ, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, उनकी पुण्यतिथि है। मैं उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज के दिन हमने संकल्प लिया है कि हम आम व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं है उसके साथ खड़े होने का काम करेंगे। और आपने देखा होगा कि 19 तारीख से 25 तारीख तक हमने एक सप्ताह जो है ब्लड डोनेशन के कैंप संचालित करने का काम भी हम कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के साथ खड़े होकर के उनकी सेवा कर सकें। कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।